नमस्कार, प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के अलग अलग जिलों में हुए कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सागर जिले के खुरई में बीना नदी संयुक्त सिंचाई परियोजना की, जिसका शिलान्यास आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सागर संवाददाता। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सागर जिले की बड़ी सिंचाई परियोजना बीना नदी परियोजना का भूमि पूजन किया। यह परियोजना 3750 करोड़ रूपए की लागत से तैयार होगी और करीब 90,000 हेक्टेयर में इसमें सिंचाई होगी। इसके अलावा 400 गांवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, वहीं 21 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। इसके अलावा यह परियोजना सागर जिले के लिए ही नहीं पूरे बुंदेलखंड अंचल के लिए लाभान्वित करेगी। इस मौके पर प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह और पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सागर से विनोद आर्य। प्रदेश में कल से कम आय वाले श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए सरल बिजली और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम लागू हो गई है। शिवपुरी जिले में इसके तहत पंजीयन का काम शुरू हो गया है। पंजीयन का ये काम 30 जुलाई तक चलेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे शिवपुरी संवाददाता। शिवपुरी जिले में मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी एवं सरल बिजली बिल स्कीम 2018 के पंजीयन का काम शुरू हो चुका है। इसमें जिले की सभी 600 पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में समस्त बीपीएल एवं पंजीकृत असंगठित श्रमिक अपने नजदीकी वितरण केंद्र एवं पंचायतों में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर पंजीयन करा सकते हैं। सरल बिजली बिल योजना में पात्र उपभोक्ताओं को मासिक बिल 200 रुपए का मिलेगा। यदि वास्तविक बिल 200 रुपए से अधिक राशि का होता है तो अंतर की राशि शासन द्वारा सब्सिडी के रूप में कंपनी को प्राप्त होगी और देयक 200 से कम होने पर वास्तविक देयक राशि का भुगतान ही संबंधित उपभोक्ता को करना होगा। इसी प्रकार बिजली बिल बकाया समाधान योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिक एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि एवं सरचार्ज की छूट का प्रावधान भी रखा गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शिवपुरी से रंजीत गुप्ता। नीमच में भी मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी और सरल बिजली बिल स्कीम से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। पेश है एक रिपोर्ट। श्रमिक परिवारों को सस्ती बिजली देने की प्रदेश सरकार की योजना 1 जुलाई से शुरू हो गई है। अब बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 रुपए देना होंगे। जिले में इस योजना से लगभग 30,000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। बिजली कंपनी को पहले जहां 4,80,00,000 रुपए प्रति माह का राजस्व मिलता था, वहीं अब ये राजस्व घटकर 1,20,00,000 रुपए रह जाएगा। कंपनी का यह 3,60,00,000 रुपए राशि के अंतर की पूर्ति प्रदेश सरकार करेगी। वर्तमान में जिले में कुल 60,000 उपभोक्ता हैं। सरकार की नई व्यवस्था में जून तक के बिल माफ होंगे और इसके लिए सरकार 20 करोड़ रुपए बिजली कंपनी को देगी। लाभ की इस श्रेणी में बीपीएल और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हैं। नीमच से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पक्के मकानों का ख्वाब देख रहे लाखों गरीबों के सपने प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हो रहे हैं। शहडोल जिले में इस योजना के तहत अब तक 22,400 मकान बनाए जा चुके हैं। बीते दिनों 1,000 से अधिक हितग्राहियों ने इन मकानों में गृह प्रवेश किया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहडोल जिले में 22,400 से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। लगभग 17,000 मकानों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। साल 2017-18 के दौरान कुल 24,629 मकान स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 22,033 मकान बनकर तैयार हैं। साल 2018-19 में 14,685 मकान बनाने की स्वीकृति मिली, जिसमें से 373 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। बैगा स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत जिले में 1,856 आवास बनाने की मंजूरी मिली थी, जिसमें से 16 आवास बनाए जा चुके हैं। शेष आवासों को बनाने का काम जारी है। बैगा स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत 5100 आवासों की स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है। योजना के तहत घर बनाने के लिए प्रत्येक हितग्राही को 1,30,000 रुपए की मदद की जाती है। पहली किस्त 40,000 रुपए की और बाकी दोनों किस्तें 45,000 रुपए की हैं। जिले में 58 गांव ऐसे हैं जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के 100 से अधिक मकान बनाए गए हैं। जैसीनगर विकासखंड में सर्वाधिक 6,291 हितग्राही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। खंडवा पुलिस अधीक्षक द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके विकास के लिए अभिनव प्रयास महिलाओं के द्वार महिला चौपाल के रूप में किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को सशक्त और समर्थ बनाने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष ग्राम संपर्क अभियान के दौरान महिला चौपाल बुधवार से जिले में शुरू किया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे खंडवा संवाददाता। पुलिस अधीक्षक खंडवा श्रीमती रुचि वर्धन मिश्र द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उनके विकास का अभिनव प्रयास महिलाओं के द्वारा महिला चौपाल के रूप में किया जा रहा है। खंडवा पुलिस अब सीधे तौर पर ग्रामीण महिलाओं के साथ जुड़ने के साथ ही संवाद करने जा रही है। बालिकाओं एवं महिलाओं की पुलिस के साथ सहभागिता बढ़ाने में उक्त नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। महिला चौपाल में बालिकाएं युवतियों एवं महिलाओं को शामिल किया जा रहा है तथा उन्हें महिला संबंधी कानूनों हेल्प नंबरों आदि के बारे में अवगत कराया जा रहा है। उनकी शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है, साथ ही आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। महिला चौपाल का आयोजन प्रत्येक सप्ताह जिले के सभी थानों में किया जा रहा है, जिसमें पुलिस अधीक्षक जिला खंडवा किसी भी एक ग्राम में आयोजित महिला चौपाल में सम्मिलित हो रही हैं। शेष थानों में आयोजित महिला चौपाल में उप पुलिस अधीक्षक अनुविभागीय अधिकारी स्तर के अधिकारी सम्मिलित हो रहे हैं। महिला चौपाल का शुभारंभ पिछले दिनों बुधवार को थाना खालवा के आदिवासी बाहुल्य ग्राम दगड़कोट में किया गया। कार्यक्रम में ग्राम दगड़कोट के आसपास के ग्रामीण जन आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से होने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाने, वन और पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने और जरूरतमंद व्यक्तियों के घर में गैस चूल्हा पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई। रायसेन जिले में अब तक 83,588 पात्र परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है, बता रहे हैं हमारे रायसेन संवाददाता। ओबेदुल्लागंज निवासी केसर भाई, राम भाई तथा जमुना भाई ने बताया कि वे आर्थिक रूप से इतनी सक्षम नहीं थी कि गैस कनेक्शन की राशि जमा कर गैस चूल्हे पर खाना बनाने का अपना सपना पूरा कर पाती, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से उन्हें भी गैस चूल्हा मिल गया है। उन्होंने बताया कि पहले वे खाना बनाने के लिए घरेलू चूल्हे पर लकड़ी व गोबर के कंडे का उपयोग करती थी। इससे निकलने वाले धुएं की वजह से आंखों में तेज जलन होती थी और खाना बनाने में भी समय लगता था। अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन मिल जाने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। अब आंखों में धुआं नहीं जाता, समय भी बचता है और घर की दीवारें भी उजली रहती हैं। साथ ही वर्ष भर के लिए खाना बनाने के लिए लकड़ी और कंडे भी इकट्ठे नहीं करना पड़ते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं दीपक कांकर। बुरहानपुर में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। पेश है हमारे बुरहानपुर संवाददाता की रिपोर्ट। बुरहानपुर में सामुदायिक मूलभूत सेवा केंद्र दौलतपुरा में पथ विक्रेताओं के 2 दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पथ विक्रेताओं को अधिकार, कर्तव्य, विशिष्ट नीति, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता व सामाजिक सुरक्षा आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण समापन समारोह मुख्य अतिथि नगर विक्रय समिति सदस्य महेंद्र जैन ने पथ विक्रेताओं को प्रमाण पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि शहर का प्रत्येक पथ विक्रेता शहर के विकास में भागीदार है, क्योंकि वह शहर के छोटे व्यवसाय से अपने परिवार के साथ शहर का भी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ निर्वहन करता है। नगर निगम पथ विक्रेताओं के क्षेत्र में छोटे से छोटे पथ विक्रेताओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। सिटी मिशन में मैनेजर अखिलेश जायसवाल ने कहा कि पथ विक्रेताओं के सुरक्षित व्यवसाय के लिए शासन द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की गई है। इससे लाभान्वित होकर बैंकों से जुड़कर व्यवसाय को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए नगर निगम विशेष प्रयास कर रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर की रिपोर्ट। जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब किसानों के साथ रहकर न केवल खेती किसानी के गुर सीखेंगे, बल्कि गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी जबलपुर संवाददाता। गत दिवस कृषि कार्य अनुभव लेने रवाना हुए विद्यार्थियों की जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के रावे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एन के खरे ने बताया कि 4 कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर और कटनी के विद्यार्थी क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र टिंडोरी में 6 माह तक वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ये छात्र खेती किसानी का अनुभव लेंगे।
भ्रमण के दौरान ये कृषि विद्यार्थी कृषकों के खेतों से मिट्टी के सैंपल लेकर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान करेंगे। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय द्वारा भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को डिजिटल इंडिया से भी जोड़ा गया है। ये विद्यार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सप्ताह में एक दिन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों से सीधे चर्चा कर अपने अनुभव साझा करेंगे और कृषि वैज्ञानिकों से तकनीकी सलाह लेंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। और अब बात करेंगे श्योपुर की, जहां के कराहल के जंगलों का जड़ी बूटियों युक्त पौष्टिक शहद अब नहीं मिलेगा, क्योंकि कम बारिश के कारण अधिकतर मक्खियां यहां से पलायन कर गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे श्योपुर संवाददाता। मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड एवं विज्ञान सभा द्वारा श्योपुर जिले के जंगलों में मधुमक्खी एवं शहद आकलन सर्वे किया जा रहा है। इसी सर्वे को लेकर कराल के जंगलों में भोपाल से आए साइंटिस्टों की एक टीम द्वारा ये पता लगाया जा रहा है कि श्योपुर जिले के जंगलों में बहुत अधिक तादाद में पाए जाने वाला शहद की मात्रा दिनों दिन क्यों घटती जा रही है। जिले के कराल अंचल के जंगलों में पाए जाने वाला शहद बहुत अच्छा माना जाता है और उसकी बहुत मांग रहती है। आमतौर पर जंगली इलाकों में 250 से 300 मधुमक्खी के छत्ते देखे जाते थे, परंतु अब यह संख्या घटकर 10 से 15 रह गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन एवं जंगल में फल फूल की कमी के कारण मधुमक्खियां यहां से पलायन कर गई हैं। समाचार दर्शन के लिए श्योपुर से अश्विनी कुमार बालोटिया। गांव को कीचड़ मुक्त बनाने और किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए ग्वालियर जिले में स्वच्छ पूर्णा अभियान शुरू हुआ है, बता रहे हैं हमारे ग्वालियर संवाददाता। सांसद आदर्श ग्राम योजना में शामिल ग्राम पंचायत मुगलपुरा से इस अभिनव अभियान की शुरुआत हुई है। अभियान के तहत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवम वर्मा के नेतृत्व में इस गांव में शासकीय अमले ने पहुंचकर ग्रामीणों को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री नरवरिया ने बताया कि स्वच्छ पूर्णा अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में ODF प्लस गतिविधियां संचालित की जाएंगी, यानी हर गांव को कीचड़ मुक्त बनाया जाएगा। साथ ही नाडेप टांके व बायोगैस प्लांट के जरिए गोबर व कचरे को जैविक खाद में तब्दील किया जाएगा। गंदे पानी को नाली के जरिए एक सेंट फिल्टर टैंक से जोड़ा जाएगा, इससे शुद्ध हुए पानी से सिंचाई की जा सकेगी। आरंभ में जिले की एक दर्जन ग्राम पंचायतों में ये अभियान शुरू किया गया है। अगले एक माह में सभी ग्राम पंचायतों में इस अभियान को लागू कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर ग्वालियर जिले की सभी ग्राम पंचायतों के बीच स्वच्छता प्रतिस्पर्धा भी आयोजित होगी। उन्होंने इसके लिए अपनी सांसद निधि से धनराशि मुहैया कराने की घोषणा की है। जिला स्तरीय स्वच्छता प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत को 5 लाख, द्वितीय को 3 लाख व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली पंचायत को 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक विकास खंड में 3 पंचायतें पुरस्कृत होंगी, जिसमें प्रथम पुरस्कार 3 लाख, द्वितीय 2 लाख व तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। होशंगाबाद जिले से बहने वाली जीवनदायिनी नर्मदा के आसपास का क्षेत्र अब फिर से हरा भरा हो रहा है। ये संभव हुआ है नर्मदा पवित्र सर्वदा अभियान से। इस अभियान का क्या असर पड़ा है नर्मदा नदी पर, विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे होशंगाबाद संवाददाता। जुलाई 2017 से लगातार किए जा रहे बीज रोपण ने अब पेड़ों का आकार ले लिया है, जिसके चलते नर्मदा का कटाव भी रुकने लगा है। इतना ही नहीं, इस अभियान से नर्मदा की कई सहायक नदियों को भी नया जीवन दान मिला है। अभियान के तहत नर्मदापुरम संभाग में 140 किलोमीटर लंबाई और 100 मीटर के तट क्षेत्रों में 140 प्रकार के विभिन्न वनस्पतियों, जिनमें घास, झाड़ी, बेले, शाक आदि का बीज रोपण जन सहयोग से किया गया। नर्मदा के पुराने स्वरूप को दिलाने, इसकी पहल करने और नर्मदा के संरक्षण के अभियान की शुरुआत करने वाले कमिश्नर उमाकांत उमराव ने बताया कि फिलहाल इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 108 प्रजाति के बीजों को नर्मदा किनारे के 68 गांव और होशंगाबाद नगर में रोपित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में 70,000 से अधिक लोगों को जागरूक कर जोड़ा गया और पिछले साल 2 जुलाई को ही इन लोगों के सहयोग से 2 करोड़ से अधिक विभिन्न बीजों का रोपण किया गया। नर्मदा के रिपेयरिंग जोन में सहयोग देने देश के वैज्ञानिकों के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जापान, रशिया, साउथ अफ्रीका सहित अन्य देश के वैज्ञानिक भी पिछले 1 वर्ष के दौरान लगातार अपनी सेवाएं और सुझाव दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए होशंगाबाद से मैं तनुज तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार ठीक 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
वाचन स्वर और आलेख संयुक्ता बैनर्जी, आकल्पन और संयोजन संजीव शर्मा, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।